हे एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी मिठाई की रेसिपी, जो कि है पेड़ा। इस पेड़े को बनाने में मुझे मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे और ये बहुत ही क्विक और इंस्टेंट सी रेसिपी है। और आप देख सकते हो किस तरीके से एकदम दानेदार और बहुत ही डिलीशियस मिल्क पेड़ा बन करके तैयार है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैं एक पैन में ले रही हूँ 1 टेबल स्पून देसी घी, और घी जब पिघल जाए तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और उसमें मैं मिला दूंगी 1 कटोरी दूध। तो जिस किसी भी मेजरिंग कप या कटोरी से आप मेज़र करें, उसी से दूध, चीनी और मिल्क पाउडर को हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ दूध को अच्छे से एक बार मिलाने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी मिल्क पाउडर, और इसके आगे मैं 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर और ऐड करूँगी। इन टोटल मैं 2.5 कटोरी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ इस पेड़े को बनाने में। तो एक बार में मिल्क पाउडर को नहीं ऐड करना है, हमें इसे बैचेस में ऐड करना है। तो इससे पहले मैंने 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करा, उसको अच्छे से एक बार मिला दिया दूध और घी के साथ। फिर दोबारा मैं इसमें 1 कप मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से फिर से हमें फेट करके मिला देना है, ताकि एक लम्स फ्री बैटर बन सके। ध्यान रखें कि हमें गैस की फ्लेम को अभी ऑन नहीं करना, ये ऑफ़ फ्लेम पे ही हम मिल्क पाउडर को दूध के साथ मिलाएंगे। तो यहाँ लास्ट में मैं 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर और ऐड कर रही हूँ, और इसे भी अच्छे से हमें दूध में मिला लेना है। ये पेड़े की रेसिपी बहुत इंस्टेंट है, तो जब कभी भी आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और आपके पास डेजर्ट में मीठे खाने में कुछ भी ऑप्शन ना हो, तो आप ये क्विक से पेड़े की रेसिपी बना सकते हो। एकदम फेल प्रूफ रेसिपी है और आप इसे सर्व कर सकते हो। तो आपने यहाँ देखा, जब मैंने अच्छे से मिल्क पाउडर को मिला लिया दूध में, उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को ऑन करी हूँ, और उसके बाद कंटिन्यूसली हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक कर लेना है, और तब तक कुक करना है जब तक कि एक सॉफ्ट डो बन करके ना तैयार हो। तो इस टाइम मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ, और उसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है मिल्क पाउडर के डो के साथ। और बस आप यहाँ देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, जो हम आटा गूंथ करके तैयार करते हैं रोटी या पराठे बनाने के लिए, बिल्कुल वैसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो इसके बाद इसे हम गैस से उतार लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये एकदम ठंडी हो जाए, उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी पिसी हुई चीनी। तो ये पाउडर शुगर है, जिसे मैंने ग्राइंडिंग जार में नॉर्मल शुगर को डाल करके पीस लिया था, और बिल्कुल महीन पीस करके तैयार करें। और जब पेड़े का डो अच्छे से ठंडा हो जाए, तब इसमें हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हाथ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी देसी घी, और दोनों हाथों को हम घी से ग्रीस कर लेंगे, और छोटा छोटा पोर्शन हम उठा करके और पहले एक लड्डू की तरह हम इसे बना लेंगे एक हाथ से दबाते हुए, और फिर इसको दोनों हथेलियों के बीच में डालकर हमें हल्का सा प्रेस कर लेना है, और इसे हमें एक पेड़े का शेप दे देना है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर से आप भी एक बार ट्राई करें, और बिल्कुल एज़ इट इज़ बन कर के तैयार होती है, और यकीनन आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो एकदम दानेदार पेड़ा बन कर के रेडी हो जाएगा आपका 15 से 20 मिनट में, और आप इसे घर पे ही इंजॉय कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। बस थोड़ा सा पोर्शन हम उठाएंगे, लड्डू की तरह हाथ में इसको दबा दबा कर एक राउंड शेप देंगे, उसके बाद दोनों हाथों के बीच में दबा करके हमें पेड़े का शेप देना है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने सारे पेड़े को बना लिया है। अब इसे गार्निश करने के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ इलायची के दाने। तो अगर आपके पास पिस्ता, काजू या किशमिश कुछ भी हो, आप यहाँ पे अपनी पसंद के ऐड ऑन कर सकते हो।
तो आप भी ज़रूर से इसे एक बार बनाएं, और जब ये बन जाए तो इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में डाल दें ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही एक क्विक रेसिपी लेकर मैं कल फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए खाते रहें, खिलाते रहें और मेरे वीडियोस देखते रहें।